डॉक्टर मानसिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय प्रथम वर्ष कला के लिए भूगोल प्रायोगिक में परिच्छेदिका के प्रकार। परिच्छेदिका के प्रकारों में हम सर्वप्रथम लेते हैं संक्रम परिच्छेदिकाएं। संक्रम परिच्छेदिकाएं संक्रम परिच्छेदिकाएं बनाने के लिए हम सबसे पहले टोपो शीट से कंटूर मैप लेते हैं। जैसे टोपो शीट से हमने इस प्रकार से एक कंटूर मैप ले लिया। सौ मीटर, 200, 300, 400, 500। दो सौ सौ। ये सभी मीटर में हैं। ये कंट्यूर मैप जब हम ले देते हैं समोच्च रेखीय मानचित्र पहला काम टोपो शीट से कंट्यूर मैप लेना। कंट्यूर मैप लेने के बाद में उस कंट्यूर मैप पर हम क्रॉस सेक्शंस डालेंगे। जैसे इसमें पहला क्रॉस सेक्शन हमने ये डाल दिया ए बी। क्रॉस सेक्शन की लंबाई को हम एक समान रखेंगे। दूसरा क्रॉस सेक्शन हमने ये डाल दिया सी डी। चौथा क्रॉस सेक्शन हमने ये डाल दिया ई एफ। जैसे हम ये क्रॉस सेक्शन डाल देते हैं ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद में पट्टिका विधि से हम परिच्छेदिकाएं बनाएंगे। सबसे पहले पट्टिका विधि से ए बी के समान एक सीधी ए बी क्रॉस सेक्शन के समान एक सीधी रेखा अलग सफ़ेद शीट पर बनाएंगे और उसके बाद में समोच्च रेखाओं के अनुरूप उसके ऊपर हम मापनी बना देंगे, जैसा कि हमने पट्टिका विधि के अंदर पूर्व में देखा है। अब इसके अंदर इस क्रॉस सेक्शन और समोच्च रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु एक सिंपल कागज़ की पट्टी पर लेकर के हम उसको यहाँ पर समान उस दूरी के हिसाब समान जहाँ पर वो बिंदु हैं उसको हम यहाँ पर अंकित कर लेंगे। जैसे पहला बिंदु कागज़ की पट्टी के हिसाब से यहाँ पे कागज़ लगाएंगे, कागज़ की पट्टी, और उस पर इस कागज़ की लंबाई के समान कागज़ की पट्टी लेंगे और उस कागज़ की पट्टी पर ये दो बिंदु हम लगा लेंगे। ये दो बिंदु लगाने के बाद में मान लीजिए पहला बिंदु यहाँ पर आया है और दूसरा बिंदु यहाँ पर आया है, इनकी ऊंचाई भी हम लिख देंगे दोनों की। ये भी 200 मीटर का है और ये भी 200 मीटर का है। यहाँ पर हम स्केल बना लेंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर। इसे हम इस प्रकार से कर लेंगे। 500 के समानांतर ये रेखाएं किरने हम बना लेंगे। किरने बनाकर के 200 है दोनों में, तो इसको 200 मीटर की तक हम इसको ऊपर उठा लेंगे। ये भी 200 है, इसको भी हम उठा लेंगे। अब यहां पर हम चूंकि 200 है, 200 के बीच में 100 है, तो ये सामान्य रूप से नीचे की तरफ झुकाव होता हुआ हमारे को दिखाई देगा, तो इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। और फिर उसके बाद में ये समानांतर 200 के समानांतर हम इसको यहाँ तक मिला करके एक प्रोफाइल का निर्माण कर लेंगे।
उसके बाद में इसको प्रोफाइल के रूप में दे देंगे, छायांकित कर देंगे। अब अंकित प्रोफाइल अलोंग क्रॉस सेक्शन ए बी, प्रोफाइल अलोंग क्रॉस सेक्शन ए बी। इसके बाद में हम यही सेम चौकठा बनाएंगे, जैसे हमने दूसरा इसी सेम ये बना देंगे, ये स्केल रखेंगे सेम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर, इसके भी समानांतर हम फिर उसके बाद में हम सीडी के समानांतर एक कागज़ की पट्टी लेंगे और कागज़ की पट्टी लेकर के हम इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं को हम कागज़ की पट्टी पर ले लेंगे। कागज़ की पट्टी की लंबाई सीडी के समान दूरी की होनी चाहिए और उसके ऊपर इन बिंदुओं को अंकित कर लेंगे, और इन बिंदुओं को अंकित करने के बाद में उस कागज़ की पट्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे और इन बिंदुओं को यहाँ पर अंकित कर लेंगे। जैसे इस प्रकार से कागज़ की पट्टी को अंकित करके इस प्रकार से इन बिंदुओं को हम अंकित कर लेंगे। यहाँ पर मैं अनुमान से कर रहा हूँ, लेकिन जब हम सीट के ऊपर बढ़ाते हैं तो उस समय कागज़ की पट्टी को ही इसके ऊपर लगा करके ये बिंदु अंकित करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अनुमान से नहीं कर लगाना है ये चिन्ह, अनुमान से नहीं लगाना, पुनः आपको याद दिला रहा हूँ, अनुमान से ये नहीं लगाना है, कागज़ की पट्टी को लगाना है। कागज़ की पट्टी लगा करके और फिर इन बिंदु को लगाएंगे और इनकी ऊंचाई भी लिख लेंगे, कौन कौन सी समोच्च रेखाएं कट कर रही हैं। जैसे ये 100 की कर रही है शुरुआत में, ये 200 की कर रही है, ये 300 की कर रही है, 400, 500, 500, 400, 300, 200, 100, और इनको हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। जैसे 100 को 100 तक, 200 को 200 तक, 300 को 300 तक, 400 को 400 तक, 500 को 500 तक, 500 को 500 तक, 400 को 400 तक, 300 को 300 तक, 200 को 200 तक, और फिर इसके बाद में इनके ऊपरी बिंदु को फ्री हैंड से हम मिला लेंगे। तो चूँकि इसको थोड़ा ऊंचाई की तरफ ले लेंगे, ऊंचाई बढ़ रही है, पुनः हम इनको मिला करके इस प्रकार से ये प्रोफाइल बना लेंगे। फिर इसको हम छायांकित कर लेंगे, नीचे से इसको भी साफ कर लेंगे, इनको भी साफ करके छायांकित करेंगे। इस प्रकार से इसको छायांकित कर लेंगे। प्रोफाइल अलोंग क्रॉस सेक्शन CD। इसके बाद में पुनः ये चौकठा हम पुनः बनाएंगे सेम, हाँ, तीसरा EF के ऊपर कागज़ की पट्टी लगा करके उस कागज़ की पट्टी पर इन बिंदुओं को अंकित कर लेंगे जहाँ ये समोच्च रेखाएं इसको कट कर रही है, और कट करके सेम इसी लंबाई का इस चौकठा बना करके पुनः ये सेम ही मापनी बनाएंगे। समान लंबाई होनी चाहिए और समान मापनी होनी चाहिए, 0, 100, 200, 300, 400, 500, समानांतर हम इसको खींच लेंगे।
कागज की पट्टी को लेकर के इन बिंदुओं को हम ई एफ की समान लंबाई के कागज की पट्टी लेंगे और उनको उस कागज की पट्टी पर इन बिंदुओं को अंकित करके और यहाँ पर हम उनको अंकित करेंगे। यहाँ पर अनुमान से लगा रहा हूँ, लेकिन अनुमान से नहीं लगाना, कागज की पट्टी पर अंकित करके ही इसको लगाना है। इनकी ऊंचाई को लिख लीजिएगा, जैसे ये 200 है, ये 100 है, ये 100 है, ये है 200 है। 200 को 200 तक ऊपर कर लेंगे, 100 को 100 तक, 200 को 200 तक। उसके बाद में हम इसको मिला लेंगे, मिला करके यहाँ पर हम इसको प्रोफाइल का रूप दे देंगे, छायांकित करके। छायांकित करने के बाद में हम यहाँ पर इसको नीचे से साफ भी कर लेंगे और लिख देंगे क्रॉस सेक्शन अलोंग ई एफ, क्रॉस सेक्शन अलोंग ई एफ। इस प्रकार से हमने संक्रमण परिच्छेदिकाएं बनाई हैं। कागज़ की पट्टी लेकर के पट्टिका विधि से हम इस प्रकार से संक्रमण परिच्छेदिकाएं बना सकते हैं।